प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस, या फिर साइक्लिक प्रोसेस में जो इनक्लोज्ड ग्राफ का एरिया होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। हम दो डिफरेंट तरह के प्रोसेस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वर्क डन किस में किसका ज्यादा होता है, एक एक्सपेंशन में और एक कंप्रेशन में। तो दोनों की पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और चार प्रोसेस कंपेयर करेंगे, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। आइसोबैरिक का ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के ग्राफ कर्व होते हैं, स्लोप का डिफरेंस होता है, आइसोथर्मल स्लो, स्लोप कम, एडियाबैटिक रैपिड, स्लोप ज्यादा, और आइसोकोरिक प्रेशर एक्सिस के पैरेलल। तो सबसे ज्यादा एरिया आइसोबैरिक का है तो वर्क डन मैक्सिमम आइसोबैरिक का, उसके बाद आइसोथर्मल और सबसे कम एडियाबैटिक। आइसोकोरिक में वर्क डन नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। कंप्रेशन के केस में जब दोबारा ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ की शेप उसी तरह से आएगी, लेकिन रिवर्स होगा ग्राफ क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अब अगर हम देखें इन तमाम ग्राफ में कि एरिया सबसे ज्यादा किस ग्राफ के नीचे है तो वो एडियाबैटिक का होगा। मींस कंप्रेशन के केस में सबसे ज्यादा जो वर्क डन होगा वो एडियाबैटिक का होगा, उसके बाद आइसोथर्मल और सबसे कम आइसोबैरिक। मींस दोनों के आंसर रिवर्स होते हैं।